बाबरी मस्जिद की शहादत, ये हमारे दस्तूर की, हमारे सेकुलरिज्म की शहादत करनी और उसकी मजम्मत हम लोग हर साल जनता दल की तरफ से, बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी की तरफ से करते आए हैं और करते रहेंगे कि ये जो सानिया हुआ है अगर हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे, उसको फरामोश कर देंगे, तो हो सकता है कि आगे जाकर भी ऐसे सानिया होते रहे। इसलिए हम सब सेकुलर लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, उनका फ़र्ज़ है कि वो दस्तूर और जो सेकुलरिज्म का खून 6 दिसंबर को हुआ है उसके ख़िलाफ़ मजम्मत करते रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग 6 दिसंबर के ताल्लुक से रखें। दूसरा, मालेगांव शहर के हालात। मैं महसूस कर रही हूँ कि जो मालेगांव बंद हुआ, बंद के बाद से अभी तक जो आवाम में है एक परेशानी है, लोग डरते हैं, एहतजाज करने को भी डरते हैं कि पता नहीं कि हमको 149 की नोटिस मिल जाएंगी, हमको कहीं पकड़ ना लिया जाए। वन जुमे के रोज़ हुआ, जो 12 तारीख को, उसके बाद जुमा से नीचे रहता, ऐसा मालेगांव शहर का माहौल था कि कोई भी सियासी सामाजिक काम करने वाला आदमी रोड पर नहीं कर जाए। उनको ये डर था कि पुलिस वालों ने अगर हमको देख लिया तो हमको भी उठा लिया। ऐसा निज़ाम बना दिया गया था जिसकी वजह से लोगों में खौफ आ गया। मैं एक पढ़ते पढ़ते एक चीज़ मुझे याद आई कि सन 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू की थी ब्रिटिश सामान की मुखालफत में, हुकूमत की कोऑपरेट नहीं करो, ऐसी मूवमेंट उन्होंने 1920 में स्टार्ट की थी और वो चलती रही। उसके बाद 20 फरवरी, मेरे ख्याल से 20 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए हज़ारों लोग जमा हुए हिंदुस्तान में, और वो प्रोटेस्ट में इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज करने के बाद गोली चलाने से 2 लोगों की मौत हुई हिंदुस्तानियों की। इसी मजम्मत में आवाम ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत, जो ब्रिटिश राज में काम करने वाले पुलिस वाले थे। लेकिन उस वक्त भी जो कंप्लेन दाखिल की गई वो किनके खिलाफ दाखिल की, जो लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो लोगों ने तशद्दुद किया, तहरीक चलाने वाले गांधी जी थे, गांधी जी के ऊपर नहीं उन्होंने 302 और 307 दाखिल किए। लेकिन आज अब मालेगांव में आज़ादी के बाद ये हालत हो गई कि जो लोग इंतजामिया वाले थे उनके ऊपर भी 307 दाखिल किया गया, जो काबिले मजम्मत है। आज भी हम पुलिस के इस कदम की मुखालफत करते हैं कि उन्होंने पत्थर चलाने वालों को और ऑर्गेनाइज करने वालों को एक साथ चार्जशीट में उसमें रखा है, FIR में, जो काबिले मजम्मत है। आप ये समझ लो जो ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान पर राज करती थी उन्होंने भी इतना सख्ती से फैसला नहीं किया। अगर वो चाहते तो जो ऑर्गेनाइजर थे वो गांधी जी थे, उनके ऊपर 302 लगा, लेकिन उन्होंने जो लोगों ने पत्थर मारा, जिन्होंने आग लगाई, उनके ऊपर केस दाखिल किया, वरना गांधी जी उस वक्त भी जेल में चले जाते। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस थी उससे ज़्यादा जारहाना और ख़राब तरीके से काम हमारे यहाँ की पुलिस कर रही है। हाँ, वो पहले पीर के दिन से उन्होंने ऐसा एडिशनल SP साहब से मैडम की बात हुई, साजिदा मैडम की, और उन्होंने कहा है कि डिले करें 6 दिसंबर के बाद। 6 दिसंबर के बाद डिले होने के बाद उन्होंने खुद बोला है कि हम इजाज़त दें, 8-9 तारीख के बाद इजाज़त मिलेगी करेंगे, और वैसे भी अपन ऐसा ही रखेंगे, कानून में रह के कानून तोड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, जो जनता दल के लोग हमेशा देते रहते हैं, कब्रिस्तान जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और कब्रिस्तान के अंदर जाकर इबादत करना, नमाज पढ़ना या अजान देना, इस पर किसी पुलिस का या किसी और चीज़ का सरकारी दबाव की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जिनको जाना है रिवाज के मुताबिक वो जाएं और करें, इसमें किसी की मुदाखलत तो उससे अमन को खतरे की कोई बात नहीं। हाँ, जो लोग करते हैं वो करें। कुछ लोग हमारे बाहर हैं जैसे आफ्ताब आलम नहीं है, मुस्तकीम नहीं है, ढांडे नहीं है, ये लोग हमेशा आगे आगे रहते थे। दूसरे लोग जाएंगे लेकिन करेंगे, क्योंकि वो एक रिवाज बना है, इसको कायम रखेंगे। कोई मेमोरेंडम वगैरह हम लोग मेमोरेंडम देंगे। मेमोरेंडम हम ये देंगे
क्या इसमें आप उसमें लिखा हुआ है मेमोरेंडम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये किया कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद जो बनी और उसका जो भी फैसला हुआ, लेकिन एक चीज उसमें लिखी गई थी कि जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई ये कानूनी तौर पे गलत है, यानी जिन लोगों ने तोड़ी ये काम गैर कानूनी था, लेकिन सीबीआई ने वो तोड़ने वालों के ऊपर केस नहीं किया। तो हमारी यही उनसे मांग है कि जो लोगों ने बाबरी मस्जिद की शहादत की है उनके खिलाफ केस दाखिल किया जाए। और मेरी इसमें शहर के लोगों से जो जो मालेगांव शहर की तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं उन सब से दरख्वास्त है कि बाबरी मस्जिद की शहादत को फरामोश ना किया जाए। अगर हम ये चीज़ को फरामोश कर देंगे तो आने वाली नस्लें एक तो इस मस्जिद को भी भूल जाएगी और आगे भी ये चीज़ों का रिवाज होता जाएगा कि किसी भी इबादत का, चाहे मस्जिद कोई शर पसंद तोड़े, चाहे मंदिर कोई शर पसंद तोड़े, चाहे चर्च कोई शर पसंद तोड़े या गुरुद्वारा तोड़े, किसी की भी मजहबी इमारत को तोड़ने का हक किसी दूसरों को नहीं। इसकी मजम्मत होना चाहिए। हम सेकुलर मुल्क में रहते हैं जहाँ दस्तूर का राज चलता है। पुलिस सख्ती कर रही है, बाहर पुलिस इतनी ज्यादा सख्ती कर रही है तो क्या ये 12 नवंबर के बंद का असर है या फिर पुलिस 12 नवंबर का ही असर है कि एक तरह से ऐसी लोगों में बात फैल गई है कि भाई किसी तरह का भी एहतजाज अगर होगा तो पुलिस जो है हमारे ऊपर एक्शन करेगी, तो खौफ तारी हो गया। मैं इसीलिए आपको चोरी चोरा का वाकया बताई कि ऑर्गेनाइजर गांधी जी थे उनके ऊपर केस नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा हो गया हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में कि ऑर्गेनाइजर और पथराव करने वाले और तोड़ फोड़ करने वालों को एक नज़र से देखा जा रहा है। इन्हें वहाँ पर भी ऐसा था कि गांधी जी को माफ उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो कहाँ उस तशद्दुद करने में शामिल नहीं थे, और उस तशद्दुद में 22 पुलिस वालों का मौत हुई थी और तीन लोग जो हिंदुस्तानी प्रोटेस्टर थे उनकी मौत हुई। उसके बावजूद इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया जो मालेगांव शहर में लिया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा स्ट्रिक्ट और दबाने वाली पुलिस अपने यहाँ की होगी। एक मामला ये है कि मथुरा में मस्जिद में मूर्ति रखने की बात है, हम मालेगांव शहर जनता दल की तरफ से और बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी की तरफ से इसकी मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो जो हिंदुस्तान में एक माहौल अमन का कायम है उसको कायम रखे और किसी की भी मजहबी इमारत में कोई दूसरा शहर पसंद घुसकर ऐसी हरकत ना करे, इसको रोकने की वो कोशिश करें। जो मालेगांव शहर का ये रिकॉर्ड रहा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले ही उन्होंने हुकूमत को ये आगाही दे दी थी मालेगांव शहर में 19 जुलाई 1992 को जुलूस निकाल के बाबरी मस्जिद खतरे में है और उसको बचाने का काम हुकूमत करे। ये काम हिंदुस्तान में सिर्फ मालेगांव शहर ने ये रहनुमाई की थी, किसी और शहर ने ये नहीं की थी। इसी तरह आज हम हुकूमत से हिंदुस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो मथुरा की मस्जिद की हिफाजत करे और शहर परस्तों की नज़र से उसको बचाए।